ज माइन रिजवान चीमा फाउंडर एंड सी ई ऑफ मकान सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड योर जर्नी फ्रॉम प्लॉट टू होम इस वीडियो में आपको मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की ओवरऑल डिटेल्स के हवाले से एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जस्ट फॉर द रिकॉर्ड ये वीडियो जो है दिस वाज रिकॉर्डेड ऑन ट्वेंटी सेवंथ ऑफ अक्टूबर 2021 और आई एम पोस्टिंग दिस ऑन एटीथ ऑफ नवंबर सेवनटीथ नवंबर ऑफ नवंबर 2021 तो एक बीस दिन का गैप है इसमें एक्चुअली ये जो ब्रिज है ये इसकी दूसरी साइड भी कंप्लीट हो चुकी है और इस पर जो ओवरऑल अब कारपेटिंग और बाकी जो फिनिशिंग का काम है वो हो रहा है तो मैं रिसेंटली मैंने विजिट किया था साइट पे दिस संडे तो मैं साइट पर जब गया था तो उस वक्त मैं ज़्यादातर ओवरसीज सेंट्रल की वीडियोज़ प्लस जो कुछ कोर्स की वीडियोज़ है वो रिकॉर्ड कर सका मैं एक्जैक्टिव एंट्रेंस ब्रिज की वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर सका बट दिस वॉज आ रिकॉर्डेड वीडियो सो so कुछ ना होने से कुछ बेहतर है इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन एक करने की कोशिश करूँगा ये जो एंट्रेंस ब्रिज है ये तकरीबन आज से छः माह से सात माह पहले स्टार्ट हुआ था और इसमें अभी अगर आप साइट विजिट करते हैं अभी जो करंटली डेवलपमेंट का स्टेटस ये कि एक्जैक्टिव ब्लॉक की रीसेल में फाइल आती है रीसील में प्लाट आता है उसकी डिमांड बिल्कुल ना होने के बराबर होती है इसकी वजह यह है कि एक्जैक्टिव ब्लॉग तक किसी की एक्सेस ही नहीं है अनटिल और अनलेस आप रियल इस्टेट का काम नहीं करते आप रियल स्टेट का स्मार्ट सिटी के साथ अटैच नहीं है तो आपको एक्जैक्टिव ब्लॉक का इनफेक्ट साइड पर पता भी नहीं चलेगा कई इंडिविजुअल अपने ओन पर जाना चाहे एक्जैक्टिव ब्लॉक में तो वो जा ही नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्टिव ब्लॉक तक एक्सेस ही नहीं है आ, बहुत सारे लोग बात पूछते हैं कि जी ओवरसीज वन में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक में डिमांड काफ़ी कम है उसकी रीज़न ये है जो दिखता है वो बिकता है एग्जैक्टिव ब्लॉक में एंट्रेंस पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए लोग जाते हैं नहीं है और उसकी रीसेल की वैल्यू इसलिए दिन ब दिन कम होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज़ ब्लॉक आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में जहाँ से भी एंटर हो आप किसी भी जगह से एंटर हो तो एंड ऑफ द डे आपने ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक सी के सामने मस्जिद के सामने ही पहुँचना है क्योंकि सारे रोड्स वहीं लीड करते हैं तो इसलिए जो ओवरसीज़ की डिमांड है वो एग्जैक्टिव ब्लॉक से ज़्यादा है मैं इस थ्री सिक्सटी व्यू में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस ब्रिज की फिनिशिंग काम ट्वेंटी डेज़ पहले और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीक इसकी दोबारा की वीडियो बना के आपको मैं कंपेरिजन कर दूँ कि एक महीने के दौरान इसकी जो फिनिशिंग है इसकी डेवलपमेंट काम है वो कहाँ तक पहुँचा है तो अभी एक्जैक्टिव ब्लॉक में जब प्रॉपर एक्सेस अवेलेबल होगी तो मेरे ख्याल में उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो ओवरऑल मार्केट डिमांड है वो काफी अप्रिशिएट करेगी उसकी सिंपल से रीजन के एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो लैंड ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज ईस्ट के ओवरसीज ईस्ट की जो लैंड लैंड ट्रेन है वो काफ़ी लेवल्ड है यानी कि इसलिए वो इसको जल्दी डेवलप करने करने में एच आर एल जैसी कंपनी को बहुत कम टाइम इसलिए भी लगा कि जो उसकी ज़मीन है वो लेवल ज़मीन थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक आप कह लें कि आसानी पैदा हो गई सिर्फ गलियाँ सड़कें सेवरेज और बाकी जो कुछ फिनिशिंग काम है वो करने हैं जो पांच स्टेप होता है डेवलपमेंट के सिर्फ फिफ्टी से सिक्सटी या सेवेंटी परसेंट काम जो होता है वो पहले काम स्टेप का होता है दैट इज़ अर्थवर्क जैसे ज़मीन की कटाई और लेवलिंग का काम कहते हैं उसके बाद जो होता है उसकी ग्राउंड ब्रेक पे जी स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान बनना वो वाला काम होता है थर्ड इज़ वहाँ पे स्ट्रीट्स पे जो आपके स्ट्रीट लाइट्स का लगना और हॉटिकल्चर इस तरह की चीज़ें टेन टू फिफ्टीन परसेंट काम वो होता है तो जो बाकी काम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी काम होते हैं और काफ़ी शॉर्ट टर्म होते हैं बड़े आसानी से हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो पहला काम होता है जिसे कहते हैं अर्थवर्क काम तो ये इस वक्त जो है ब्रिज की कम्पलीशन के बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक में स्पेसिफिकली एग्जैक्टिव ब्लॉक बी और बाकी जो एग्जैक्टिव ब्लॉक में भी मास्टर प्लान में अच्छा जो अभी बैलेटिंग अनाउंस हो रही है ट्वेंटी ट्वेंटी में फरवरी में जो बैलेटिंग है उसमें मई में, में बैलेटिंग जाके है एक्जैक्टिव ब्लॉक की इस वक्त जो करंट पहली बैलेटिंग होगी जो फरवरी 2020 में होगी वो बैलेटिंग होगी ओवरसीज ईस्ट की और उसका पोजेशन जो है वो सेप्टंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए जो ओवरसीज ईस्ट है उसमें पोजेसन वाइज भी एज कंपेयर टू एक्जेक्टिव उसको थोड़ा एडवांटेज मिला है एक्जैक्टिव ब्लॉक के मेबर्स के साथ ये थोड़ी ज्यादि भी है क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो लोग हैं उन्होंने कंपेरिजन टू ओवरसीज ईस्ट भी पहले बुकिंग की थी 2017 में जो पहले मेंबर्स जिन्होंने बुकिंग की थी वो वो ब्लॉक लॉक के थे तो आई थिंक कि उनको सोसाइटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए बट सोसाइटी मैनेजमेंट ने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग पोजेशन आप विलास देख लें एक्जैक्टिव ब्लॉक येस पाँच मेला के जो विलाज हैं वो एग्जैक्टिव ब्लॉक में स्पीड में बन रहे हैं इसके अलावा एक्जैक्टि ब्लॉक में तमाम चीज़ें लैक करती हैं कम्पेरिजन टू ओवरसीज ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल बट मोटरवे इंटरचेंज बनने के बाद जो ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ब्लॉक का फ़र्क होगा कि ओवरसीज ईस्ट के कम्पेरिजन में एक्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो मोटरवे से ज़्यादा नज़दीक है तो इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी अभी आपको बैकग्राउंड में ओवरसीज़ ईस्ट नज़र आ रहा होगा हालांकि काफ़ी डिस्टेंट है तकरीबन ढाई तीन किलोमीटर या इससे ज़्यादा का फासला होगा लेकिन फिर भी आपको एक्जेटिव ब्लॉक के ओवर वाटर टैंक मस्जिद और बाकी जो वहां पे स्कूल है या विलाज हैं बड़े क्लियरली नजर आ रहे हैं कुछ स्ट्रीट्स हैं वो भी नजर आ रही हैं जो डोम है पार्क है वो भी नजर आ रहा है तो एज कंपेयर टू एक्जेक्टिव के ओवर ईस्ट को डेवलपमेंट वाइज बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिली इवन प्राइम बाद में लॉन्च हुआ था प्राइम लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था ट्वेंटी uh, में सेम्बर के महीने में अगस्त के महीने में उसको भी ज्यादा प्रेफरेंस मिली है और एक्जेटिव ब्लॉक को कम प्रेफरेंस मिली है बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एंट्रेंस ब्रिज की मुकम्मल होने के बाद जब एक चक्री रोड से भी डायरेक्ट एक्सेस आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि एक्जेक्टिव ब्लॉक को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और एग्जेक्ट ब्लॉक के जो मैंबर्स हैं उनके गिले शिकवे तब दूर हो जाएंगे अभी तक तो खैर सब मैंबर्स जो हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के वो काफ़ी ज्यादा गिला करते हैं कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की ना प्लाट मार्केट में आसानी से बिकता है नंबर वन ना प्लाट की डिवेलपमेंट हुई है तो उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है तो जब इंटरचेंज की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ब्लॉक में इंटरचेंज की एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि काम स्टार्ट होने के बाद ब्लॉक एक्जेक्टि नियर बाय हो जाएगा इंटरचेंज के तो मेरा ख्याल है कि उसकी डिमांड में काफ़ी ज्यादा इजाफा होगा ये हम एक्सपेक्ट सकते हैं सो so, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आने वाले तकरीबन महीने डेढ़ महीने में यानी कि बाय दी एंड ऑफ 2021, इस इंटरचेंज पे प्रॉपरली जब काम स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्रिज भी तक कंप्लीट हो चुका होगा तो दोनों साइड से एग्जेक्टिव ब्लॉक की एक्सेस नजदीक बनेगी और ओवरसीज सेंट्रल में जाहिर सी बात है जंप काम ज्यादा होगा तो एक्जेक्टिव ब्लॉक पर भी उसी तरह लोग ज़्यादा विजिट कर पाएंगे सो वज दिस इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़